हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, और उसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज है कि जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और एसएससी सीजीएल के फॉर्म 23 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और अप्रैल में उन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है उसके एग्जाम की। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ ट्रिक और क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन से जाकर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वो जरूर देख। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इस डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो इससे पहली वाली क्लास जो फर्स्ट क्लास है टाइम स्पीड और डिस्टेंस की वो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। स्कूल व घर के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम एचएसएससी एसएससी और रेलवे में बहुत बार देखने को मिला है, तो इसको कैसे शॉर्ट में करना है वो समझे भाई। देखो, अपने को दो चाल दे रखी है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अपने को दे रखा है एक बार वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो यहां से हमें पता करना है कि उसका टाइम का डिफरेंस क्या है। उसके लिए डायरेक्ट भी बता दूंगा भाई, एक बार ये भी समझ लें। मान लें कि स्कूल लगने का टाइम है 8 बजे, या ये जो भी लाइन है ये स्कूल लगने का टाइम है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, ठीक है, तो वह 10 मिनट लेट हो गया, यानी इससे 10 मिनट ज्यादा लगे उसको, ठीक है। ये कितना का गैप है? 10 मिनट, ठीक है। मान लीजिए 8 बजे का स्कूल है तो ये यहां पे 8:10 पे पहुंचता है, ठीक है। और अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी इसे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो कितने पे पहुंच जाता है? 7:40 पे पहुंच जाता। तो ये गैप कितने का? 20 मिनट का है। अगर हमें उसके दोनों टाइम के बीच का अंतर ज्ञात करना है तो कितना अंतर हो गया भाई? 20 मिनट ये, 10 मिनट ये, यानी टाइम का डिफरेंस अपना कितना आ गया? 10 और 20 कितना आ गया? 30 मिनट आ गया भाई, ठीक है। लेकिन इसके बजाय आप लोग डायरेक्ट कर लें, मैं बहुत बार दूसरी वीडियो में बता चुका हूं पहले भी, कि जब सेम सेम दे रखा हो भाई, यानी कि कंडीशन क्या हो सकती है कि एक पर लेट बोल दिया और एक पर बोल दिया उन्होंने अर्ली, ठीक है। या फिर और कंडीशन क्या हो सकती है, भाई लेट 5 की स्पीड से आता है तो 10 मिनट लेट होता है, 6 की स्पीड से आता है तो 5 मिनट लेट होता है, ठीक है। दोनों जगह लेट हो सकता है या फिर दोनों जगह जल्दी भी हो सकता है अर्ली, ठीक है। और यहां से हमें हमारा मोटिव एक ही होता है कि हम यहां से टाइम का डिफरेंस निकाल ले। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगर अलग अलग है, एक जगह लेट दे रखा है एक जगह अर्ली दे रखा है, तो हम उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और अगर सेम सेम है, दोनों जगह लेट है या दोनों जगह अर्ली है, तो हम उनको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो अपना क्या आ जाएगा? समय का अंतर आ जाएगा। तो ये सब करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने बोला था कि एक बार तो 10 मिनट लेट पहुंचता है और दूसरी बार 20 मिनट जल्दी पहुंचता है, एक जगह लेट है एक जगह जल्दी, तो हम इनको सिर्फ जोड़ लेंगे। तो टाइम का डिफरेंस अपना कितना आ जाएगा? 10 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 30 मिनट। अब चाल किस चीज में दे रखे? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम किस चीज में लेना पड़ेगा हमें? घंटे में। तो घंटे बनाने के लिए इसको 60 से भाग कर देंगे भाई, कितना घंटा हो जाएगा? आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें स्कूल और घर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस। हमें फॉर्मूला का पता है, हमें ट्रिक का पता है, जिनको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। ऊपर दोनों चाल की क्या गुणा, यानी 5 गुणा में 6, नीचे दोनों चाल का अंतर जो हमें किस चीज में लेना है, यानी 5 में से 6 के माइनस 1 आवे, लेकिन लेना प्लस में है तो 1, और समय का अंतर कितना है? 1/2। 2 से काटेंगे तो ये 3, 3 5 15, यानी कि घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 11 मिनट लेट हो जाती है। यदि रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो केवल 5 मिनट लेट होती। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। और सेकंड पार्ट है, स्टेशन ए से बी पर पहुंचने का उचित समय कितना है, यह भी बताना भाई। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक बार सीएचएसएल में जब दूरी पूछी थी, और दूसरी बार सीजीएल प्री में आया था, तो उस टाइम उचित समय पूछा था। तो देखो, यहाँ पे 2 स्पीड दे रखे हैं भाई, और अपने को क्या दे रखा है? दोनों जगह लेट दे रखा है भाई, तो टाइम का डिफरेंस निकालना है, यानी टाइम का डिफरेंस।
टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए जब सेम सेम चीजें तो हम क्या कर लेते हैं भाई, घटा लेते हैं भाई, यानी 11 में से 5 गए तो यानी कि 6 मिनट टाइम का डिफरेंस है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमें दूरी निकालनी है भाई, तो दूरी के लिए फॉर्मूला है अपना ऊपर दोनों स्पीड की क्या करनी है गुणा, यानी कि 40 गुणा में 50, नीचे दोनों के स्पीड का अंतर जो हमें ऐसा प्लस में लेना है, तो 40 में 50 में माइनस 10 आता था लेकिन प्लस में लेना तो 10 लिख दिया। और टाइम का डिफरेंस कितना है 6 मिनट, साल की चीज में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये टाइम हमें घंटों में चाहिए भाई, जो भी नीचे लिखता है अगर मीटर पर सेकंड में होता है तो नीचे क्या होती है सेकंड, तो सेकंड में टाइम लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है तो नीचे क्या है घंटा है, तो घंटे में लेंगे भाई, इसको घंटे बनाएंगे 60 से भाग कर दो यानी कि 1/10 घंटे हो गया भाई। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना 1/10 घंटे, इसे ये कट गया, इससे ये कट गया भाई, यानी कि अपना कितना गया 20 किलोमीटर दूरी आगे भाई, अगर दूरी पूछा है तो 20 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूछा उचित समय कितना है, तो उचित समय निकालने के लिए आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं भाई। अब टाइम निकालो एक बार, क्या है कि 20 किलोमीटर जाना है और स्पीड कितने की है 40 की, तो टाइम कितना लगेगा 20/40 यानी कि 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट, ये तो 40 की स्पीड से हुआ भाई 30 मिनट टाइम, लेकिन अगर हम 40 की स्पीड से जाते हैं तो 11 मिनट लेट हो चुके हैं, तो सही समय क्या है कि हमें इससे 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था, तो 11 मिनट पहले क्या टाइम होगा भाई, यानी कि अपने कितना टाइम लगना चाहिए, उचित समय कितना है ए से बी पर पहुंचने का 19 मिनट। आप चाहे तो दूसरी कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, वहां पे क्या 50 की स्पीड से गए भाई हम, तो कितना हो गया 2/5 ये घंटे, इसको मिनट में बदलाएंगे तो गुणा में 60 कट के 12 दूंगी 24 मिनट आ गया भाई, लेकिन हम क्या हो गया भाई अगर 50 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हो चुके हैं, तो इससे 5 मिनट पहले पहुंचना था, तो यानी कि हमें टाइम कितना लगना चाहिए था, सही समय कितना आना था 19 मिनट। आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, दूरी या फिर उचित समय। अब ये करके दिखाओ हनी सिंह की तरह भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए ट्रिक की आपको जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं बेसिक से भी क्वेश्चन सारे करवा देता, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक से करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा कम से कम 3-4 मिनट करने में। अच्छी ट्रिक है और ज्यादा ट्रिक याद भी नहीं करनी, सिर्फ 2 ही ट्रिक है इस पूरे चैप्टर की, तो आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लगते हैं, और अगर वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, और सेकंड पार्ट है वह निश्चित दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को जो भी बताया था अभी, जो ट्रिक्स सिखाई थी टाइम के डिफरेंस वाली, एक बार 40 मिनट कम लगते हैं, एक बार 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। देखो अभी माना कि उसकी बंदे की स्पीड एस थी, ठीक है, तो उसने क्या किया पहली कंडीशन में, क्या उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो कितनी होगी एस प्लस 3 होगी, जिससे क्या हुआ कि 40 मिनट कम लगते हैं, यानी टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 40 मिनट आ गया, घंटों में बदलोगे तो 40/60 काट के लिखना चाहते हो 2/3। ठीक है, अब देखो भाई इस पहली कंडीशन ये इससे क्या निकाल सकते हैं, हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी निकाले हुए एस इंटू में पहली स्पीड इंटू में दूसरी स्पीड एस प्लस 3, नीचे दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, गुणा में टाइम का डिफरेंस कितना है 2/3। ठीक है, अब देखें भाई दूसरी कंडीशन में क्या है, उसकी स्पीड कितनी है एस मानी थी हमने, उसने क्या करे इसमें से भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, तो कितनी होगी एस माइनस के 2 होगी। अब क्या लिखता है टाइम का डिफरेंस कितना है 40 मिनट ज्यादा लगते हैं, टाइम का डिफरेंस वही है 40/60 यानी कि 2/3 घंटे। ठीक है, ये चाल हमने किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है अभी, ठीक है, तो टाइम भी हमने घंटे में लिया है। ठीक है, अब इससे भी दूरी निकाले भाई, देखिए ये भी दूरी है और इससे निकालेंगे वो भी दूरी है, सेम ही दूरी है, तो दोनों बार दूरी क्या होगी बराबर होगी, तो इसलिए मैंने ये बराबर में लिख दिया, तो एस इंटू में ऊपर दोनों चाल की क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, नीचे डिफरेंस करते हैं भाई, तो कितना आ जाएगा 2 कम है तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस कितना 2/3 है। यहां से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, एस से एस कैंसल, ठीक है, उसकी ये हर बार कट जाएगा भाई एस, तो ना भी लिखे तो काम चल सकता था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि फॉर्मूला क्या था, तो लिख ही ले, एक बार कट गया भाई 2/3 से 2/3 कट गया, नीचे वाली चीजें से नीचे वाली कटेंगे, ऊपर वाली चीजें से ऊपर वाली कटेंगी, और कुछ कट नहीं रहा, तो इस 2 की गुणा इस साइड हो जाएगी और इस 3 की गुणा उस साइड हो जाएगी, 2 की गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा 2 एस प्लस में 3 दूनी 6,
और ये साइड कितना हो जाएगा 3s, और ये कितना हो जाएगा भाई माइनस के 6। ये माइनस का 6 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और ये 2s इस साइड प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा 6, और 6 कितना हो जाएगा ये 12, और 3s में से 2s चले गए तो ये क्या आ गया s, यानी s की वैल्यू आ गई, s क्या आती उस बंदे की स्पीड थी कितनी आ गई 12, हमने किलोमीटर प्रति घंटा माने तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उस बंदे की क्या आ गई स्पीड आ गई भाई, ये तो आ गई स्पीड। अब उसने पूछा है दूरी, दूरी निकालने के लिए क्या करो कि आप s की वैल्यू किसी भी एक कंडीशन में रख दो, या तो इस साइड रख दो या उस साइड रख दो, जहां भी रखोगे तो उसकी दूरी आ जाएगी किसी भी एक साइड से निकाल ले, मैं इस वाली साइड से निकालता हूं तो 12 और 3 15 बटे में 3, और ये कितना 2/3, ये हो गया 3 × 15 3 × 4 12 4 × 5 20 20 × 40 तो दूरी कितनी आ जाएगी अपनी 40 किलोमीटर। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, तो आप दोनों तरीके याद रखें या एस लिख लें क्योंकि बाद में अपने को दूरी निकालनी पड़ सकती है। और इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी है, अगर आपको ट्रिक का पता तो है तो ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो आप इसको एक बार बेसिक से करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना टाइम ले। क्वेश्चन है भाई, एक आदमी निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, अगर वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा 45 मिनट कम लगते हैं। तो सामान्य चाल ज्ञात करें, या वही बात है पूछी जा सकती है कितनी दूरी तय की है वो भी पूछी जा सकती है। तो वही अभी हमने उसकी सामान्य चाल एस मान ली, एस किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो एस प्लस 10 हो गई, तो टाइम का डिफरेंस कितने का आया 1 घंटे का। तो इससे अगर दूरी निकाल ले तो एस इंटू में एस प्लस 10, नीचे डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 का ही आ जाएगा भाई, और समय का अंतर कितना है 1, ये दूरी होगी एक कंडीशन से। दूसरी कंडीशन से भी दूरी निकाल ले भाई, तब उसकी सामान्य चाल कितनी थी एस थी, और अब उसने कितने बढ़ा दी एस प्लस 20 हो गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो टाइम का डिफरेंस कितना आया 1 घंटा 45 मिनट। तो 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 45/60 काटोगे तो कितना आ गया 3/4, और इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 LCM आ गया, 4 और 3 7/4 घंटे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इससे भी दूरी निकाल ले एस इंटू में एस प्लस 20, नीचे टाइम इनका दोनों चार का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20, और टाइम का डिफरेंस कितना अपना 7/4, ठीक है। अब ऊपर वाले काट सकते हैं हम, नीचे वाले भाई ऐसे एस कट गया भाई, ठीक है, ये मत काट देना इस 10 से इस 20 की जीरो काट देना, ये प्लस में है भाई, एस की वैल्यू हमें पता नहीं तो ये नहीं काट सकते हम, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं भाई, ठीक है। तो नीचे कितना होगा 4 × 2 = 8, 8 की गुणा इस साइड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 8s प्लस में 8 × 2 = 80, ठीक है, और ये 7 की गुणा ऊपर हो जाएगी 7s प्लस में 7 × 2 = 14 = 140, 7s इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 8s में से 7s गया तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 140, यहां पे अभी 80 इस साइड प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस को हो जाएगा 140 माइनस के 80 यानी कितना आ जाएगा 60, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल पूछी थी तो आंसर कितना अपना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछा था कि उसने दूरी कितनी तय की है तो आप किसी भी कंडीशन में इस एस की वैल्यू को रख दो, वहीं से आपकी दूरी आ जाएगी, मैं इस वाले में रख रहा हूं भाई 60 और 10 कितना हो गया भाई 70, यानी 60 × 70 डिफरेंस कितना अपना 10 का है, और घंटे का डिफरेंस कितना है 1 का, काटोगे तो 0 से 0 और 6 × 7 = 42 और 0 की 0 यानी कि अगर दूरी पूछे कितनी चली है तो 420 किलोमीटर। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी चाल में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी करता है तो वह 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी चाल याद करो भाई। देखो भाई वही बात है, हमने उसकी मान ली कि चाल कितनी है एस, उसने बढ़ोतरी कर ली कितने की 20 की, तो अब चाल कितनी होगी एस प्लस 20, नीचे दोनों चाल के बीच का डिफरेंस कितना है अपना 20, और समय का डिफरेंस कितना है अपना 1 घंटा, बराबर कितने के दूरी के, दूरी इन्होंने कितनी दे रखी है 600 किलोमीटर, ठीक है। अभी 20 इस साइड भाग में दूसरी साइड जाके किस चीज में हो जाएगा गुणा में, यानी कि एस इंटू में एस प्लस 20 कितने के बराबर हो जाएगा 600 × 20 3 0 तो हो जाएंगे भाई ये एज इट इज,
छह दो नहीं 12,000 के बराबर। अब इसमें क्या करना है, आप ऑप्शन का यूज करें भी, ऑप्शन का यूज करना भी जरूरी है, और जिस क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज होगा मैं उसमें ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूं। या तो आप क्या करेंगे, एस के अंदर गुणा कर ले, एस स्क्वायर प्लस में 20s बराबर कितना 12,000 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक स्पीड प्लस में आएगी, एक माइनस में, माइनस वाले को हम मानते नहीं है तो प्लस वाले आंसर हो जाएगा। उसके बजाय टाइम खपाने के बजाय आप क्या करो, इसमें ऑप्शन रख लो भाई, ये किस चीज की वैल्यू है, एस की वैल्यू ही के लिए ऑप्शन दे रखे, तो एस की जगह रख लें भाई। आप चार में से तीन ऑप्शन चेक करें, अगर ठीक मिल गए तो ठीक है, नहीं चौथे वाला अपने आप से ठीक है, वो चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो 80 रखो तो भाई 80 और 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, तो ये तो कितना हुआ भाई अपना 8,000 हुआ, ये आंसर नहीं है, अपना कितना होना चाहिए 12,000। अगर मैं 100 रखूं, 100 गुणा में 100 प्लस में 20 यानी कि 120 गुणा करोगे तो कितना हो गया 12,000, अपना आंसर भी कितना आना चाहिए था, गुणा कितनी आनी चाहिए थी 12,000, यही आंसर है। तो ऐसे ऑप्शन का यूज किया जाता है क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है भी, लेकिन ये हर एक एग्जाम में बहुत बार आया है। दुर्गा शक्ति का हरियाणा का एग्जाम हुआ था भाई, उसमें भी था, और एसएससी के अंदर तो पता नहीं है कितनी बार आया है क्वेश्चन, समझे भाई इसको। एक आदमी सामान्य चाल के 5/6 भाग से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो उसके द्वारा उसकी सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ये सामान्य चाल से पूछा तो सामान्य समय होगा, अगर लेट पूछा तो वो भी निकाला जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि चाल का क्या भाग दिया भाई 5/6 भाग, मतलब कि अगर स्पीड का रेशियो उन्होंने 5/6 दिया, यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 6 थी तो उसके बजाय वो अब कितने से चला है, 5 की स्पीड से चला है भाई। ये उसकी सामान्य चाल है और ये उसकी धीमी चाल लगा सकते हो या फास्ट भी दे सकते हो, जो भी हो दे, धीमी चाल ठीक है, रेशियो ये है। अब हमने पढ़ा था भाई फॉर्मूला कि स्पीड इनटू में टाइम किसके बराबर होता है, डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस के बराबर होता है, सॉरी डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, मैंने एक मान ली, तो स्पीड क्या होगी भाई 1/टाइम, यानी कि स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, जब भी उन्होंने डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, डिस्टेंस के बारे में कुछ बोल नहीं रखा। तो अगर टाइम इनकी स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि 5:6, यानी पहले 5 टाइम लगता था तो अब कितना लगेगा 6, ठीक है। अब उन्होंने क्या दे रखा है कि टाइम में वो कितना लेट हो गया भाई 10 मिनट, अपनी वजह से देखें तो कितना 5 की वजह 6 लगता है तो कितना लेट है 1, और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितना 10 मिनट, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 10 मिनट है, अगर सामान्य समय निकालना है तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 मिनट, और अगर उन्होंने पूछा लेट समय, लेट समय कितना है 6, 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 मिनट। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सामान्य समय भी पूछा जा सकता है और लेट समय भी, आपको सिर्फ इतना रखना है ध्यान, अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां से आप लोग इसको निकाल सकते। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई, एक आदमी सामान्य चाल के 3/5 भाग से एक निश्चित दूरी जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, तो उसके द्वारा सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें भाई। सामान्य समय पूछा या लेट दोनों ही बता सकते हैं भाई, तो स्पीड का डिफरेंस कितना है अपना 5:3, यानी पहले स्पीड 5 थी, जो नीचे वाली होती है वो उसकी सामान्य स्पीड होती है, ठीक है, अब कितनी है 3, तो टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, सॉरी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, यानी कि वो कितना लेट हो गया 2 लेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 30 मिनट, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 30/2 यानी कि 15 मिनट, अगर सामान्य समय पूछा है तो सामान्य समय कितना है 3, तो 3 की वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड 3 से गुणा कर लेना, 3 की वैल्यू कितना 15 / 45 मिनट, ठीक है, 15 / 45 मिनट उसकी सामान्य समय आ जाए। जब लेट वाला समय पूछा है तो भाई 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू 15/75 आ जाएगा भाई, ठीक है। और देखो कितना लेट हो गया, पहले 45 मिनट में पहुंचता था, अब 76 में पहुंचता है, 30 मिनट लेट हो गया, तो यानी कि यही सही है, उत्तर की पड़ताल हो चुकी है भाई। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन की जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी बच्चा SSC
एचएसएससी या फिर रेलवे के लिए मैथ की तैयारी करना चाहता है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।